ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला है और इसके लिए देश तैयार है, खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयार है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच होने वाला है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयार है और फैंस भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया जिस अंदाज में फाइनल में पहुंची है, फैंस का ऐसा ही मानना है कि वर्ल्ड कप इंडिया का है। देश भर में दुआओं का दौर शुरू हो चुका है, सारा देश एक सुर में टीम इंडिया की जीत के लिए दुआएं कर रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी फैंस पूरी तरीके से तैयार है और रविवार के दिन पूरे घर में रहकर ही मैच को और वॉल टू वॉल देखने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और कल के दिन को खास बनाने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो कल का दिन देखिए कितना ज्यादा खास है और कल के इस मैच को देखने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। जो कैपेसिटी है वहां पे फैंस को लेकर और वहां पे पूरा का पूरा मैनेजमेंट एकदम चाक चौबंद है। खास बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल खुद देखने के लिए इस स्टेडियम में पहुंचने वाले हैं और कल के दिन को खास बनाने के लिए वहां पर तैयारियां भी चाक चौबंद की जा रही है। ऐतिहासिक कदम से सिर्फ एक कदम दूर है टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से फाइनल जंग है और लेकिन देश को देखिए जीत की उमंग है। कल टीम इंडिया इतिहास रचने वाले क्योंकि देखिए एक साथ बैक टू बैक जीत को आगे बढ़ाते हुए जीत को इस लय को आगे बढ़ाने की उम्मीद जो है देशवासियों को है ही है और अच्छी बात यह है कि हमारी टीम इंडिया पूरी तरीके से फुल फॉर्म में है। कल का दिन बेहद खास है, फैंस की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। देखिए हाथों में देश की आन बान और शान, तिरंगा को हाथ में लिए हुए किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं और दूसरी ओर ये भी तस्वीर है जहां पर देखिए हवन यज्ञ और प्रार्थना दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। यहां पर देखिए खास बात यह है कि बुजुर्ग लोग यहां पे बैठे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं और इंडिया की जर्सी पहने हुए यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश चतुर्वेदी राजधानी भोपाल से और वीरेंद्र गवई भी तस्वीरों में दिख रहे हैं और देखिए कर्ण मिश्रा फैंस के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सत्या राजपूत के साथ भी फैंस नजर आ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल का मैं रुख करती हूँ क्योंकि यहाँ पर देश का दिल मध्य प्रदेश और यहाँ पे जिस तरीके से दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी जाहिर सी बात है। आप कहाँ पर मौजूद है राकेश, क्योंकि बैकग्राउंड में दिख रहा है यहाँ पे लोग जो है कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए बिल्कुल हम देश के दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के दिल राजधानी भोपाल में इस समय हैं और कल फाइनल मुकाबला होगा, लेकिन उससे पहले की हम तस्वीरें आपको बताएंगे राजधानी भोपाल के मुख्य क्रिकेट ग्राउंड से। यहां पर वार्म अप चल रहा है, आप जहां पर नजर डालें चारों तरफ आपको एक ही तस्वीर देखने को मिलेगी। यहां पर चारों तरफ वार्म अप जारी है, ये जो खिलाड़ी हैं ये क्रिकेटर्स हैं खेल रहे हैं अपने देश के लिए अपने लिए। और हम देखें कि एक तरफ जहां पर लड़के हैं तो दूसरी तरफ लड़कियां भी कम नहीं है, एक मैसेज है सीधे तौर पर मैसेज देने का। और कल महामुकाबला, आप तैयार हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? जी निशा पांडे। देखिए आप देखें कि पूरी तरह से जो खिलाड़ी हैं वो तैयार हैं और कल का जो महामुकाबला होगा इस ग्राउंड पर खास तौर पर तैयारी की गई है। यहाँ पर सुबह से वार्म अप होगा, यहाँ पर कई मैच भी होंगे और मैच के बीच हम थोड़ा सा दखल देंगे। कल के लिए तैयार हैं आप? जी सर बिल्कुल। कल क्या है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल। फाइनल तो क्या बल्ला चलेगा या हमारे बॉलर चलेंगे? बॉलर चलेंगे सर बिल्कुल। शमी है? शमी चलेगा जी, चलेगा बल्ला चलेगा। रोहित शर्मा का, आप बल्लेबाज हैं कि बॉलर हैं? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, देखिए ये जो राजधानी भोपाल की बात कर रहे थे, देश के दिल की बात कर रहे थे, ऑलराउंडर हैं आप? बॉलिंग अच्छी करते हैं कि बैटिंग अच्छी करते हैं? बैटिंग। आप? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। आप? बैटिंग। बैट्समैन है आप? कल क्या होने वाला है? कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है वर्ल्ड कप फाइनल। अच्छा, तो टॉस कौन जीतेगा बताइए? इंडिया। इंडिया, इंडिया टॉस जीती तो पहले कौन खेलेगा? पहले बैटिंग। बैटिंग करेंगे पहले? हाँ, वो अगले वर्ल्ड कप में गलती से बॉलिंग ले ली थी, अब बैटिंग ले। अगले में नहीं, पिछले में। हाँ, पिछले में। तो अब क्या करना चाहिए? तो चलिए, छोटे छोटे बच्चे जो है पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि ये कप तो हमारा ही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले बार शमी की आंधी ने पूरी तरीके से ध्वस्त किया था और इस बार भी यही उम्मीद जताई जा रही, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि वो सेमीफाइनल नहीं बल्कि सेमीफाइनल था। और गोले लिए चलते हैं, कर्ण मिश्रा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्ण,
फैंस आपके साथ है, किस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं टीम इंडिया को, जरा बातचीत करने की कोशिश करिए। को लेकर जो क्रिकेट के फैंस हैं उनमें भी एक अलग ऊर्जा नजर आ रही है, खासकर ये आवाज बता रही है कितनी खास तैयारी। सभी वो क्रिकेट प्रेमी है जो काफी उत्साहित है और हर किसी को इंतजार इस बात का है कि जब क्रिकेट का महामुकाबला ये शुरू होगा उसके बाद हर कोई देखना चाहेगा कि भारत की जीत हो। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है, 20 साल पुराना एक बदला भी लेना है, किस तरह से देख रहे हैं कल के महामुकाबले को लेकर? इंडिया 20 साल बाद अब ये बदला जरूर लेगा और कल रोहित शर्मा की अगुवाई में इंडिया वर्ल्ड कप जरूर जीतेगा। एक ये रोहित शर्मा की अगुवाई में वर्ल्ड कप जीतेगा, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे है किंग कोहली, आगे है क्रिकेट के फैंस, यानी साफ तौर पर एक कल का मैच क्रिकेट के किंग कोहली के लिए भी बेहद खास रहने वाला है। जी बिल्कुल, अभी तक इंडिया काफ़ी अच्छा खेल रहा है, सारे रिकॉर्ड ऑलमोस्ट टूट चुके हैं, कल भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग चाहेंगे कि विराट कोहली अपना दौर व शतक पूरा करे, और जैसे अभी तक सारे रिकॉर्ड टूटता है हम चाहते हैं कि आगे कल के मैच में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग मैच खेलने वाले जो पुराना बदला रह गया है वो कल हमारा कंप्लीट हो जाए। शमी बुमराह ये लगातार शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, कुलदीप जडेजा की स्पिन की झेलना कठिन पड़ रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कमजोर टीम नहीं है, शुरुआती मैच में भले कमजोर न जाए लेकिन अब वो फाइनल में मुकाबले में सामने। और कोई भी टीम कमजोर नहीं होती, सबका अपना खेलने का स्टाइल होता है, हर किसी का एक दिन होता है, बट इंडिया के पैरामीटर्स की बात करा जाए, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे बॉलिंग हो, सब में परफेक्ट कर रहे हैं, फील्डिंग में भी हम परफेक्ट हैं, तो नो डाउट ऑस्ट्रेलिया का कोई चांस नहीं है और बेस्ट ऑफ लक इंडिया टीम को। कोई चांस नहीं है, किससे उम्मीद सबसे ज्यादा, कौन खेल गेम चेंजर करने वाला है? शमी भाई ने अनप्रेसिडेंटेड भूमिका निभाई है, एकदम सरप्राइज की तरह वो आए हैं और 5 लिए फिर 4 लिए फिर 5 लिए फिर पिछले मैच में उन्होंने 7 लिए, इंडिया को उनसे बहुत उम्मीद है और मुझे लगता है कि वो अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी आंधी की तरह आए और तूफानी गेंदबाजी की है, जिस तरीके से शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, जाहिर सी बात है उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई होगी, और कह रहे जिस तरीके से फैंस भी कह रहे हैं कि टीम इंडिया पूरी तरीके से लय में है। लेकिन वीरेंद्र इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि ऑस्ट्रेलियाई जो प्लेयर है, जो कंगारू है, वो प्रेशर को हैंडल करने में, वो प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, बस यहाँ पे ये हमारा थोड़ा सा वीक पॉइंट है, अदरवाइज इंडिया जो है पूरी तरीके से फॉर्म में है। वीरेंद्र? हाँ बिल्कुल, इंडिया फॉर्म में है और 2003 में जिस तरह से दोनों का मुकाबला हुआ था उसका बदला लेगी टीम इंडिया, ऐसा ये खिलाड़ी कह रहे हैं। कुछ देर पहले ये क्रिकेट खेल रहे थे और अब हमसे बात करने के लिए यहाँ पर हैं। आप लोग बताइए कि कल टीम इंडिया खेल रही है, फाइनल खेल रही है, कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगी। कैसे जीतेगी इंडिया? हमारे प्लेयर्स बहुत फॉर्म में हैं, मोहम्मद शमी, बुमराह, सिराज बॉलर बहुत अच्छे में, और रोहित शर्मा भी अच्छा स्टार्टअप दे रहा है, विराट कोहली तो फॉर्म में है ही, और अय्यर भी मिडिल ऑर्डर संभाल ले रहा है। आपने 2003 का फाइनल वर्ल्ड कप देखा होगा, उस दौरान जो लगा था कि टीम इंडिया जीत जाएगी और जीतते जीतते फिर हार गई थी, सहवाग अच्छा खेल रहे थे, तेंदुलकर नहीं चले, कल कुछ ऐसा थोड़ी होने वाला है? नहीं नहीं, अब रोहित शर्मा कैप्टन है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे कैप्टन है, तो वो संभाल लेंगे, और हमारे प्लेयर भी कॉन्फिडेंस में अच्छे हैं। सबसे अच्छा कल कौन चलेगा, कौन चलने वाला है? अभी तो कोहली मारेगा विराट भाई, और रोहित शर्मा तो है ही कप्तान और वो अच्छे फॉर्म में है, बाकी बॉलर में तो कुलदीप है और शमी भी है, जो चमक है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और दो दो इंच की मुस्कान बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि टीम इंडिया जो है पूरी तरीके से हर एक रिकॉर्ड को गढ़ते हुए, नए नए कीर्तिमान को गढ़ते हुए और रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रही है, जीत का लय इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, उम्मीद यही की जा रही है। इसके लिए देखिए किस तरीके से हवन यज्ञ और प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। रायपुर ले चलते हैं, सत्या राजपूत हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ फैंस भी है। सत्या जरा बातचीत करिए फैंस से, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है, जरा रिएक्शन लीजिए कल को लेकर, क्या खास है और किस तरीके से कल के दिन को ये खास बनाने की तैयारी कर रहे हैं?
देखिए भारतीय क्रिकेट टीम ने इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है। रोहित शर्मा के अगुवाई में जो है एक भी मैच नहीं हार है और ऐसी स्थिति में कल फाइनल मुकाबला है, इसको लेकर जो है गली मोहल्ला क्रिकेट मैदान में पब्लिक के बीच खिलाड़ियों के बीच क्या कुछ प्रतिक्रिया है समझते हैं। कुछ खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, कल कौन किस पर भारी है, क्या देख रहे हैं कि उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से? अभी तक हमने जितने भी मैचों में देखा भारतीय टीम काफी अच्छा खेलते हुए आ रही है, चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट हो चाहे बैटिंग डिपार्टमेंट हो। तो हम चाहेंगे कल भी भारत एक अच्छी क्रिकेट खेले और हमें एक बार और वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिले और हम अपना झंडा फिर से लहरा पाए। क्या लगता है, क्या कोई चुनौती है? बिल्कुल, बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया, बड़ी टीम है, एक अच्छी चुनौती हमें देखने को मिलेगी मोटेरा में। बट जिस हिसाब से इंडियन टीम का फॉर्म है, जिस हिसाब से जीतते आ रही है, उस नजरिए से इंडिया का पल्ला पूरी तरीके से भारी है और हम इंडिया को जीतते देखना चाहते हैं। ये एक सवाल ये है कि क्या भारतीय जो है टीम है किसी खास प्लेयर पर निर्भर है, चाहे वो बैट्समैन हो या फिर हम बात करें बॉलर की, तो ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। ओवरऑल इंडिया बहुत अच्छे पोजिशन पे है, पूरी पैक टीम है, इंडिया पूरी पैक टीम है, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो चाहे वो लोअर ऑर्डर हो चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, बहुत अच्छा पोजीशन पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रही है और बॉलर भी अपना काम कर रहे हैं, बहुत इंडिया जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। तो कल कौन जीत रहा है, क्या कौन जीत रहा है? जी बिल्कुल इंडिया जीतेगा। तो अगर हम जैसे चुनौती की बात कर रहे थे तो कौन कौन एक चुनौती के रूप में खिलाड़ी हो सकते हैं, बैट्समैन हो बॉलर हो ऑस्ट्रेलिया के? जी ऑस्ट्रेलिया के नज़रिए से देखा जाए तो उनका जो पेसर अटैक है पैट कमिंस, जोस हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, ये तीनों हमारे भारत के लिए एक चैलेंज पेश कर सकते हैं। तो हमें अगर इनका हम अच्छे से खेल लेते हैं तो डेफिनेटली इंडिया के बैट्समैन बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। अगर बारिश वगैरह होती है, बारिश वगैरह हो जाती है और मैच जो है रोकना पड़े तो किस तरह का जो है प्रावधान रखा गया है इसमें? एक देखने के लिए तैयार है कल, कितना उत्साहित है राकेश? अब मैं आपके पास लौटूंगी सत्या, मैं आपके पास यहाँ पर देखिए हमारे सहयोगी सिर्फ 20 से 30 प्लेयर है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे पीछे से होटिंग जिस तरीके से हो रही है और कल का जो मैच है वहां पे तो लाखों फैंस होंगे, जिस तरीके से यहाँ पे वहां पे होटिंग की जाएगी उसका कहीं ना कहीं प्रेशर किस तरीके से देख रहे हैं, वो प्रेशर जाहिर सी बात है कंगारुओं पर हावी पड़ेगा या फिर ये प्रेशर कहीं ना कहीं इंडिया पर हावी पड़ेगा? देखिए हम जी राकेश, देखिए बिल्कुल जिस तरह से हम भारत की बात करें इंडिया की बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत यही है कि एक भी मैच हम हारे नहीं हैं, हर मैच जीते हैं। और जो तमाम आकलन किए जा रहे हैं, जो जोश है, जो खिलाड़ियों से लेकर पूरे देश के जो जज्बा है वो यही तो सेलिब्रेट कर रहा है, वो यही तो वार्म अप कर रहा है कि हम मैच हारते नहीं है जीतते हैं। और जिस तरह की कल तैयारी की गई है, जो कल का मैच है अद्भुत मैच होने वाला है, अकेला मैच नहीं होगा बल्कि उसको इंजॉय करने के लिए उसमें वार्म अप करने के लिए पूरी भारत की सेना है, वो भी वहाँ पर वायुसेना है, वो भी अपना वहाँ पर प्रदर्शन करेगी, तो ये खिलाड़ियों में जोश भरेगा। और वैसे ही हम इंडिया की बात करें, इंडिया की टीम जिस तरह से लगातार मजबूत हुई है और इंडिया ने यही सीखा है कि अब लगातार मजबूत हो रहे हैं, हम मजबूत हो रहे हैं। कल का मैच है, कल क्या करने वाले हैं आप? कल मैं जैसे कि एकेडमी आऊँगा, सुबह प्रैक्टिस करूँगा, फिर मैच है तो मैच ही देखेंगे हम और बस फिर इंडिया को चीयर करेंगे और इंडिया को ऑल द बेस्ट। कल मैच हम जीतेंगे। हाँ। क्यों जीतेंगे, कारण क्या है? क्योंकि ये इंडिया वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता है और इस बार का वर्ल्ड कप हमारे देश में है तो गर्व की बात होती है। कि गर्व की बात है हमारे देश में, हम क्यों जीतेंगे बताएंगे आप? क्योंकि हमारी टीम मजबूत है, टीम मजबूत है और घर में ही इंडिया में ही ये इस पूरे मैच का आयोजन हुआ है, इसी के चलते कहीं ना कहीं उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। बोले लिए चलते हैं कर्ण, देखिए बहुत सारे रिकॉर्ड जो है टूट रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं, धराशायी हो रहे हैं, नए नए कीर्तिमान भी गढ़े जा रहे हैं इस मैच में। हम सबने देखा है किस तरीके से विराट का बल्ला बोला है और शमी की आंधी ने तो एक नया ही रिकॉर्ड जो है सेट कर दिया है, तो जाहिर सी बात है उम्मीदें और ज्यादा होगी। तो क्या ये प्रेशर में भी कन्वर्ट हो सकता है और इंडिया टीम उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए तैयार है?
देखिए बिल्कुल रोहित की विराट सेना जो है वो मैदान में लगातार अजय बनी हुई हुई है और हमने देखा था जब पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद के ग्राउंड में मुकाबला था उस दौरान जो क्राउड सपोर्ट था 1 लाख से ज्यादा का क्राउड सपोर्ट ने भारत को जीत दर्ज कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी और ये मुकाबला भी अहमदाबाद के यानी देश के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड में है इसका फायदा भी भारत की टीम को मिलेगा। हमारे साथ ये सभी क्रिकेट प्रेमी है जिस तरह से ये पूरा कहा जाए ये भारत के ऊपर एक क्या प्रेशर की तस्वीर बनाएगा या फिर सपोर्ट रहेगा पूरा? ये तो सपोर्ट रहेगा, ये प्रेशर की स्थिति तो ऑस्ट्रेलिया के लिए होगी क्योंकि जो क्राउड है वो हमारा है, स्टेडियम जो हमारा है, तो ये तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा क्राउड का। और वैसे भी जो टीम इंडिया है वो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है, तो 20 साल पुराना बदला इस बार लिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। क्राउड सपोर्ट रहने वाला है लेकिन क्राउड का सपोर्ट भारत की टीम को भी करना है, क्या करने वाली स्थिति नजर आएगी? 110% इंडिया का अभी तक जो परफॉर्मेंस है वो एक भी मैच नहीं हारे हैं वो लोग और ऑस्ट्रेलिया अपन से पहले ही स्टार्टिंग में हार चुका है तो इंडिया के लिए एक नो डाउट एवरीथिंग गो वेल सो इंडिया इज गोना विन। पुराने आंकड़े देखते हैं ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीता है। बिल्कुल इस बार आंकड़े सारे टूटेंगे और इंडिया ओवर के आएगा। बिल्कुल यही बात है, आंकड़े सारे टूटेंगे नहीं टूटते जा रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि आगे आगे जो है पूरा कैलकुलेशन बदल जाएगा और मैच इंडिया के ही फेवर में होगा। फैंस यही उम्मीद लगाकर बैठे, दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। बिलासपुर में किस तरीके से प्रार्थनाएं की जा रही है वीरेंद्र, और फैंस में क्या उत्साह है कल के दिन को वो किस तरीके से खास बनाने वाले हैं बिलासपुर में बैठकर? देखिए युवाओं से पूछते हैं कि कल का दिन कितना खास होगा, किस तरह से वो तैयारी में है और क्या करने वाले हैं, क्या पूजा प्रार्थना करने वाले हैं कल? क्या पूजा प्रार्थना करने वाले हैं? कल टीम इंडिया का फाइनल मुकाबला है, कल पूजा पर प्रार्थना से तो ऐसा कुछ हम सोचे हैं नहीं, लेकिन इंडिया इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में है कि कितना तो 100% है कि कल इंडिया जीत सकती है, क्योंकि जो 2012 में जो विश्व कप हुआ था 2011 वाली थी उसमें जो वानखेड़े स्टेडियम में जिस प्रकार से माहौल था, इंडिया जो वर्ल्ड कप घर लेके आई थी, बस उसी प्रकार का ही माहौल इस साल भी दिखने वाला है, 2023 में भी वो होने वाला है क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप वापस आ गया है। उसके बाद जिस प्रकार से रैली निकली गई थी वो इस साल भी बिलासपुर में निकाली जाएगी क्योंकि भारत में क्रिकेट के भी जो फैन है। आप बताइए किस तरह का उत्साह है आप लोगों में? बहुत अच्छे उत्साह है। किस तरह की तैयारी है कल मैच देखने की? देखिए हम लोग अपने गली के बाहर में प्रोजेक्टर वगैरह का सबका बंदोबस्त करके रखे हैं और रात को सब वहीं बिजी रहेंगे, सब वहाँ शुरू से आखिरी तक वहीं रहना है। शहर में कई जगह प्रोजेक्टर लगाए जाएंगे और खिलाड़ी जो है वहाँ पर देखेंगे, मैच देखेंगे, सब साथ में देखेंगे। किस तरह की तैयारी है, फॉर्म में चल रहे हैं, पूरी टीम ने एक भी मैच नहीं हारे, क्या वजह है टीम हार नहीं रहे है? क्या होम ग्राउंड का फायदा मिल रहा है? जी जी बिल्कुल, टीम को तो बिल्कुल होम ग्राउंड का फायदा तो मिलेगा, लेकिन कुछ फैंस देखिए वो शब्दों से अपनी बात को बयां नहीं कर पा रहे, लेकिन उनका उनका इमोशंस जो है साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ तो अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जाना जाता है। और सत्या ये बताइए जरा कल के दिन को खास बनाने के लिए रायपुर में लोग क्या कुछ करेंगे, क्योंकि दुआओं का दौर लगातार जारी, जिस तरीके से वीरेंद्र कह रहे थे कि बिलासपुर में रैली निकाली जाती है, रायपुर में क्या खास तैयारी कल के दिन को लेकर? देखिए जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो बेसब्री से जो है कल के दिन का इंतजार कर रहे हैं और पल पल काटना उनके सामने एक जो है पहाड़ के समान हो गया है। दर्शक हमारे साथ मौजूद है, जो क्रिकेटर है, खिलाड़ी हमारे साथ हैं। कल के दिन के लिए आपकी क्या तैयारी है और क्या क्या होता है रायपुर में अगर मैच होता है जो है भारत के किसी के साथ भी हो तो? कल तो वर्ल्ड कप है। कल के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ, मैं अपने सह परिवार के साथ बैठ के पूरा मैच का आनंद लूँगा। मेरे घर वाले भी पूरा मतलब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 19 तारीख आएगा, पूरा मैच देखेंगे और इंडिया को वर्ल्ड कप उठाते हुए देखेंगे अपन लोग। इंडिया जीतेगा और जीतेगा। शहर में क्या माहौल होता है? जी बिल्कुल, सब सबके सब एक्साइटेड हैं। इंडिया बहुत सालों बाद फाइनल पे पहुंची है, जो 12 साल का सूखा है हमको इस साल वो खत्म कर रहे हैं, सब बहुत एक्साइटेड है। उसका बदला लेगा इस बार? बिल्कुल बदला लेगा 2003 का। जी क्या तैयारी है आप लोगों की? पूरी तरीके से इंडिया तैयार है, जिस फॉर्म में है पूरी तरीके से हम इंडिया जीतेगी और इंडिया को जीतते हुए देखना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया से बदला लेते हुए देखना। जीत की वजह क्या समझ में आ रहा है कि भाई साहब बोल रहे हैं इंडिया जीतेगी, तो क्या है वजह? वजह यह है कि रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में है, विराट कोहली अच्छे फॉर्म में, श्रेयस अय्यर अच्छे फॉर्म में है, तीनों बैट्समैन अच्छे फॉर्म में और गेंदबाजों में मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, जडेजा जैसे क्रूशियल विकेट बीच में आके विकेट ले रहे हैं। रोहित शर्मा जिस हिसाब से स्टार्ट दे रहे हैं, विराट कोहली पारी को आगे लेके जा रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि इंडिया अच्छे फॉर्म में है, आगे जीत सकता है। बल्ला चलेगा या विकेट चिटकेगा? बल्ला चलेगा। और बॉलर? बॉलर मतलब विकेट शमी लेगा, बहुत शमी लेगा। तैयारी है कल मैच देखने को?
बिल्कुल इंडिया ही जीतेगा और हम लोग यहीं देखेंगे, मतलब घर में जाके देखेंगे अच्छे से मैच। तो देखिए यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल देखने के लिए तैयार हैं और सभी को जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उन्होंने होम थिएटर में कन्वर्ट कर दिया होगा, कल के दिन को खास बनाने के लिए तमाम तैयारियां की गई होगी। फैंस के लिए वाकई में सत्या एक एक मिनट अब गुजारना जो है बेहद ही मुश्किल होगा। कल का दिन का बड़े ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और कल उस ऐतिहासिक घड़ी का लम्हा बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये तस्वीरें के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सत्या जरा ये बताइए, पॉजिटिव साइड तो हर चीज बताई है इन्होंने कि किस तरीके से हमारे तमाम प्लेयर्स जो है फॉर्म में हैं और इस जीत के लय को आगे बढ़ाने की उम्मीद पूरी तरीके से है, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ तो नेगेटिव पॉइंट होगा जिसको लेकर कहीं ना कहीं टीम इंडिया में और हमारे फैंस में कुछ ना कुछ तो डाउट्स होंगे, कुछ डर बना होगा, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है प्रेशर को हैंडल बहुत अच्छे से करती है, तो वही प्रेशर हैंडल क्या कल टीम इंडिया कर पाएगी, पूछिए जरा फैंस से। अच्छा इंडिया में टॉप ऑर्डर पे निर्भर है, टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा कर रही है, अगर ओपनर्स हमारे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं पावर प्ले में तो लगभग आसान हो जाएगा मिडिल ऑर्डर के लिए। जी सभी मैचों का जो है अनुभव क्या कह रहा है? जी हाँ बिल्कुल, अभी तक इंडिया एक भी मैच नहीं आ रही जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी तक जो ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है 2003 और 7 का, इंडिया अगर फाइनल जीती तो बेशक रिकॉर्ड तोड़ेगी इंडिया। दो प्लेयर को रिप्लेस किया गया था, क्या उसकी कमी खलती है कि संतुलित है टीम? नहीं बिल्कुल, जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट में मोहम्मद शमी आए थे लेकिन उसकी हमें कमी नहीं खली है और पूरी तरीके से मोहम्मद शमी ने जिस हिसाब से प्रदर्शन किया है, अभी टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो, लगभग 24-25 विकेट लेके हाईएस्ट विकेट टेकर है और इंडिया के सबसे की मतलब बॉलर में वो एक है, तो इससे हमारी टीम पूरी तरीके से संतुलित हमें नजर आती है। अगर हम बात करें शतक को लेकर तो इस बार किस पे उम्मीद है, कौन सा तक जड़ने वाले हैं? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से विराट कोहली टीम में फॉर्म में है उनसे तो पूरी 100% हमें शतक की उम्मीद है कि उनका 91वां शतक आएगा और श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा जिस हिसाब से स्टार्ट दे रहे हैं उस हिसाब से हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया 350 से ऊपर का लक्ष्य बनाएगी। क्या क्या रिकॉर्ड टूटने वाला है इस बार? जी हाँ बिल्कुल, हर मैचेस में इंडिया प्लेयर्स तो इंडिविजुअल रिकॉर्ड तोड़ ही रहे हैं, इस बार एक और भी रिकॉर्ड टूट सकता है कि इंडिया एक भी मैच नहीं हारेगा, अभी तक जो 11 के 11 मैच वो पूरे जीत के जाएगा इंडिया। जी बॉलिंग में बात करें विकेट को लेकर या जो है शतक को लेकर, तो ऐसी कोई संभावना? जी हाँ बिल्कुल, इंडिया अच्छा करते ही आ रही है, हर प्लेयर अगर टॉप ऑर्डर शतक नहीं बनाता है तो मिडिल ऑर्डर में से कोई बनाता है। जादूगर जो है, जादूगर पल में ही जो है माहौल को बदल देता है, ऐसे कौन सा बॉलर? जरा बिलासपुरी अंदाज में किस तरीके से टीम इंडिया को कांग्रेचुलेट करेंगे वहां के फैंस वीरेंद्र? हाँ आप लोग किस तरह से कांग्रेचुलेट करेंगे यदि टीम इंडिया जीतती है, किस तरह से उत्साह मनाएंगे बिलासपुर में? शुभकामनाएं, पहले शुभकामनाएं फिर जीत का सेलिब्रेशन बाद में होगा, तो वही फोड़ेंगे। किस तरह के शुभकामनाएं देंगे टीम जब खेलने जा रही है, कल खेलेगी, क्या शुभकामनाएं देंगे? मेरी शुभकामनाएं मेरे विशेष साथ है टीम इंडिया के और मेरे को पूरा भरोसा भी है अच्छा खेलने वाले हैं। कौन चलेगा? रोहित शर्मा और अय्यर और कोहली। आप बताइए किस तरह से खेलेंगे कल टीम इंडिया के लिए, क्या शुभकामना है? हम लोग अपने साइड से बहुत शुभकामनाएं देंगे कि टीम इंडिया अच्छा खेले और बॉलर भी अच्छे अच्छे हैं भाई। बिल्कुल, सभी फैंस जो है झोली भर भर के शुभकामनाएं दे रहे हैं, ग्वालियर ले चलते हैं। कर्ण पिछले बार मैंने जब आप जुड़े थे फैंस जो है लोकल बोली में लोकल डायलेक्ट में शुभकामनाएं दे रहे थे, इस बार कैसे वो शुभकामनाएं देंगे? देखिए बिल्कुल, ग्वालियर चंबल अंचल की एक अपनी बोली रहती है और अंचल की बोली को इस बात को माना जा सकता है कि देश के अंदर अपनी अलग पहचान रखती है। अभी सभी ये क्रिकेट प्रेमी अभी भी मौजूद हैं और कुछ देर बाद ये पास में जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में खेलते हुए नजर आएंगे। ग्वालियर चंबल अंचल की एक अलग बोली है, इस बोली में आप इंडिया को किस तरह से शुभकामना देना चाहेंगे? ग्वालियर की बोली, ग्वालियर की बोली में क्या बोलेंगे भाई, किस तरह शुभकामना देंगे? देखिए शुभकामना की जरूरत उनको होती है जिनको उनकी दुआ की जरूरत होती है, हमारी सारी पूरे इंडिया की दुआएं उनके साथ है और अपनी बॉलिंग टीम इतनी सही है अभी इस तरह में, उनको दुआ की जरूरत नहीं है, बाकी लोग टीम को दुआ की जरूरत है। अपनी टीम में जो अपने शमी है, बुमराह है और अपने सारे जितने ही बॉलर्स हैं वो काफी अच्छे खेल रहे हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग खेल रहे हैं वो लोग, रिकॉर्ड ब्रेकिंग खेल रहे हैं और यही ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रॉन्ग टीम है। हाँ तो मैं आपको बताऊं,
इन्होंने अफगानिस्तान के सामने जीता था, मैक्सवेल ने बहुत अच्छी गेम खेली थी, बहुत तारीफ करनी चाहिए, हम भी बोलते हैं पर 2003 का भी बदला लेंगे हम। और यहाँ पर आपने देखा ये अफगानिस्तान नहीं है, ये इंडिया है और इंडिया की सबके सब मैच जबरदस्त जीत रही, जिस तरह से फॉर्म में चल रही जबरदस्त। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, आरएएफ की टीम वहां पर पहुंची है, रैपिड एक्शन फोर्स, तमाम सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पर पहुंची है और देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा नजर आ रहा है। कल का दिन बेहद खास है और ये देखिए इस स्टेडियम में परिंदा भी पर ना मारे, इस तरीके से यहां पे चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। हर एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए कल यही वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कल गवाह बनने के लिए तैयार है। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए अभी से ही फैंस का जमावड़ा यहां पर पहुंचने लगा है और अलग अलग तरीके से फैंस यहां पे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए टीम इंडिया को शुभकामनाएं देते हुए और देखिए चप्पे चप्पे पर किस तरीके से यहां पे पुलिस का कड़ा पहरा है। डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची है, रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी यहां पर पहुंची है और जिस तरीके से पूरे के पूरे इलाके में सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था की गई है क्योंकि कल का दिन बेहद खास है